मैं तो कह रही हूँ अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, वरना ऐ मौके पर हाथ पैर फूल जाते हैं और फिर तुम्हारा तो कोई बेटा भी नहीं हाथ बटाने वाला। क्यों, मोहन को नहीं बुलाओगी? अब उसे भी अपना बेटा ही समझो भाई। अरे जब भगवान ने ही नहीं दिया तो कोई दूसरा क्या बेटे की कमी पूरी कर देगा। वैसे मोहन है बड़ा होशियार। इसमें क्या शक है? मिसेस लाल जैसी दबंग औरत को मुट्ठी में कर रखा है, उसे मानती है तभी तो वो यहाँ तक चली आई। मेरी तो उसे देखकर बोलती ही बंद हो गई। तुम्हारी बोलती बंद हो गई? भाई फिर तो मिसेस लाल बहुत जोरदार औरत रही होंगी। मुझे उनसे मिलने दिल्ली जाना ही पड़ेगा। मुझे चिढ़ाने में तुम्हें मजा आता है बस। मैं ही पागल हूँ, मैं जाती हूँ किचन में, मेरी तुम्हारी दाल भी नहीं गल रही कब से। रेखा, ओ रेखा। जी हाँ पापा जी। इधर आना बेटा। बेटा आज मेरे पास एक पत्र आया है जिसे पढ़कर मुझे बहुत हैरानी हुई। मुझे नहीं पता कि मेरी दूसरी बेटी की शादी हो रही है। एनीवे कंग्रेचुलेशंस। पापा कंग्रेचुलेशंस फॉर व्हाट? अचंभा हो रहा है। हाँ? हैरानी हो रही है ना? हाँ? बेटे तुम्हें शायद ये नहीं पता कि किससे शादी हो रही है। मोहन का ये पत्र तुम्हें सब बता देगा, अभी बताता हूँ। ये देखो, लिखता है मोहन जी ने पहले रूपा और रवि की शादी पर मुबारकबाद भेजी है, जिसकी खबर श्रीमती गुप्ता ने अपनी बेटी और दामाद को फोन पर दी थी। हाँ, आगे तुम्हारे बारे में लिखा है, सुना है रूपा की शादी के तुरंत बाद ही रेखा की शादी एक बहुत बड़े घराने में होने वाली है। ये किसकी बात कर रहे हैं? आगे लिखते हैं, इस रिश्ते से रेखा को धन दौलत मकान जमीन बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि ये आदमी बहुत रईस है। तुम्हारी समझ में आया किस रईस की बात हो रही है? आगे लिखा है, श्रीमती लाल इस रिश्ते से बेहद नाराज हैं, क्योंकि वो राहुल मेहता की मां की बहुत नजदीकी दोस्त थीं और वो नहीं चाहती कि ये संबंध हो। तुम्हारा संबंध राहुल से जोड़ दिया है, इन्हें और कोई आदमी नहीं मिला राहुल मेहता के सिवा। राहुल मेहता जो सिर्फ नुक्स निकालना जानता है, और फिर आज तक शायद उसने तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा होगा। आगे पढ़िए। हाँ, कल श्रीमती लाल ने मुझे बुलाकर साफ शब्दों में कह दिया कि वो मेहता खानदान की इज्जत पर इस तरह का धब्बा कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी। राहुल जैसा ऊंचे घराने का लड़का रेखा जैसी मामूली लड़की से हरगिज शादी नहीं कर सकता। उनसे मिलने के तुरंत बाद ये पत्र आपको लिख रहा हूं, ताकि रेखा और राहुल को आप ये बात समझा सकें कि वो शादी की जल्दबाजी ना करें, वरना परिणाम दुष्कर हो सकते हैं। अरे रेखा, बेटा तुम इतनी गंभीर क्यों हो गई? इस बेसिर पैर की चिट्ठी पर तुम्हें हंसी नहीं आई? नहीं, मुझे अचंभा हो रहा है। वो तो होना ही चाहिए बेटा, तुम्हारा संबंध राहुल मेहता से जोड़ दिया, जो तुम्हारी तरफ से बेहद उदासीन है और तुम्हें वो फूटी आंख नहीं सुहाता। कमाल है भाई मिसेस लाल का और हमारे मोहन बाबू का। हम हिंदुस्तानी रिश्ते जोड़ने में कितना वक्त, कितनी मेहनत बर्बाद करते हैं। अगर अपने देश के लिए इतनी मेहनत और इतना वक्त बर्बाद करें ना, तो ये देश खुशहाल हो जाए। वो लोग आ गए। कौन लोग? रवि और राहुल। ओहो, ये राहुल रवि का बॉडीगार्ड है क्या? जब देखो तब उसके पीछे लगा रहता है। अक्कल का दुश्मन इतना भी नहीं सोचता कि मैं इन दोनों के बीच क्या करूं। मम्मी प्लीज। वो रवि का दोस्त है, उन्होंने ही बुलाया होगा। ये बता, रवि तुझे घुमाने ले जा रहा है या अपने दोस्त को? रेखा, ओ रेखा, तैयार हुई कि नहीं? इधर आ। मम्मी आई। जल्दी आ। सुन, तू और रीटा उस राहुल को बातों में उलझाए रखना। मम्मी पहले तो वो बोलता नहीं, और दूसरा मुझे पढ़ाई करनी है, मैं इनके साथ घूमने नहीं जाऊंगी। अरे किताब साथ ले जा, ये लोग घूमेंगे बातें करेंगे, तुम अपना एक तरफ बैठ करके किताब पढ़ती रहना। मम्मी मेरे समझ में नहीं आ रहा, हम सबको तैयार करने की क्या जरूरत है? क्या पलटन बनाकर जाना है? जब रवि के साथ उसका दोस्त जा सकता है, तो रूपा के साथ उसकी बहनें क्यों नहीं जा सकती? घंटे दो घंटे घूम घाम कर वापस आ जाना। मम्मी देखो, तुम
बहस मत किया करो, बड़ी बुरी आदत पड़ गई है तुम्हारी। अरे जाओ जाओ, देखो वो लोग आ गए शायद, जल्दी जल्दी ठीक करो। नमस्ते। नमस्ते बेटे, नमस्ते। तैयार है? एक नहीं, तीन तीन। भाई मैंने तो पूरी कोशिश की कि सिर्फ एक जाए आपके साथ, पर मम्मी का कहना है एक से तीन भली। देखो बेटे, सब मिलजुल कर साथ जाते तो अच्छा लगता है ना। अच्छा कहो, चाय कॉफी कुछ लोगे? नहीं नहीं, नीचे राहुल इंतजार कर रहा है। जा बेटी। चले। अकेले में आपसे बात करने का मौका मिल गया। मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। क्या? मेरे अभिमान ने मुझे बहुत तंग दिल बना दिया था। अपने अहम को ऊंचा रखने के लिए मैंने आपकी भावनाओं को बहुत चोट पहुंचाई। फिर भी आपने मेरी बहन और मेरे परिवार के लिए जो कुछ किया उसके लिए समझ में नहीं आता मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूँ। लेकिन ये बात मेरे सिवाय घर में और किसी को पता नहीं है। लेकिन ये बात तो आपको भी पता नहीं चलनी चाहिए थी। मिसेस कुमार ने मुझसे वादा किया था। उन लोगों ने मुझसे कुछ नहीं कहा था, पर रूही के लिए कोई बात अपने तक रखना असंभव है। उसके मुंह से सुनते ही मैंने मामी को चिट्ठी लिखकर पूछा था। आपने मेरे बहन को ढूंढने के लिए जो कष्ट उठाया, जिस तरह के लोगों से मिलना पड़ा, उसके लिए मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपकी आभारी हूँ। तो ये आभार आप अपने तक ही रखिए, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ आपकी खुशी के लिए, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। आपके लिए मेरे मन में अभी भी उतना ही प्यार है, उतनी ही इज्जत है। अगर आपको मेरा ये सब कहना बुरा लगता हो तो मैं आगे एक शब्द, आज भी ये सब दोहराने की हिम्मत मुझे मिसेस लाल ने दी है। वो आपसे मिलकर मेरे पास आई थी। उन्होंने तो अपनी तरफ से हम दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश की, पर अनजाने में वो एक नेक काम भी कर बैठी। वो कैसे? मेरे मन में एक नई आशा जगाने का। मैं जानता था अगर आप मुझसे अभी भी उतना ही नफरत करती तो ये सब आप मिसेस लाल से बता देती। आपको भला मेरी साफ गोई पर शक कैसे हो सकता है? अगर मैं आपके मुंह पर इतनी कड़वी बात कह सकी तो फिर आपके मिलने वालों के सामने कुछ भी कहने में मुझ जैसी लड़की को क्या हिचक हो सकती है? आपने जो भी कहा था ठीक ही कहा था। आपकी मेरे बारे में जो राय बनी थी उसका आधार तो गलत हो सकता है, पर जिस तरह का व्यवहार मैंने आपके साथ किया उसे याद करके आज भी मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। हम दोनों में से किसे अपने व्यवहार पर ज्यादा शर्मिंदा होना चाहिए, इस बात पर झगड़ना तो बेकार है। अब तो हम दोनों बदल गए हैं, है ना? नहीं, मैं इतनी आसानी से अपने आप को माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ये तरीका, मेरा ये व्यवहार, मेरा बातचीत करने का ढंग कितना बुरा था, कितना रूखा था। आपने जो डांट पिलाई आज तक उसका असर बाकी है। राहुल प्लीज, आपको यकीन हो गया था कि मेरे अंदर किसी भी सुंदर कोमल भावनाओं का होना असंभव है, याद है? आपने कहा था मैं किसी भी ढंग से अपनी बात कहता, आप मुझे हरगिज़ स्वीकार नहीं करती। राहुल प्लीज, वो सब मत हो रहा कहा ना, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पत्र पर विश्वास हुआ था? मैं जानता था कि मैंने जो कुछ भी लिखा
उससे तुम्हें बहुत दुख होगा, पर कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तुमने वो पत्र फाड़कर फेंक दिया है ना, मैं नहीं चाहूंगा कि तुम उसे दोबारा पढ़ो। अब हम उस पत्र के बारे में बातें क्यों कर रहे हैं, जब लिखने वाला और पाने वाला दोनों ही बदल चुके हैं, दोनों ही शर्मिंदा हैं, तो फिर दुख किस बात का। उतना ही याद रखना चाहिए जो मन को सुख शांति दे। मेरे लिए ऐसा करना मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने आज तक सिर्फ अपने लिए जिया है। मेरा मैं सबसे ऊपर रहा है। बचपन में हमें गलत और ठीक का फर्क जरूर सिखाया गया था, पर गुस्से पर काबू पाना नहीं। दुर्भाग्यवश एक अमीर बाप का इकलौता बेटा होने के कारण किसी ने कभी मुझे सुधारने की कोशिश नहीं की। हाँ रेखा, 8 साल से 28 साल तक मैं ऐसा ही था, और ऐसा ही रहता अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती। मेरे घमंड को चूर चूर करके मुझे ये ना बता देती कि रुपया, पैसा, शान और शौकत के अलावा एक लड़की कुछ और भी चाह सकती है। आपको मेरी हाँ का पूरा विश्वास था? पूरा। कोई लड़की राहुल मेहता का शादी का प्रस्ताव ठुकरा सकती है, सपने में भी नहीं सोचा था। उस शाम आपको मुझसे कितनी नफरत हुई होगी। गुस्सा जरूर आया था, पर तुमने मुझे गुस्से पर काबू पाना सिखा दिया। फिर अचानक उस दिन मेहता महल के गार्डन में देखकर सोचा होगा, कितनी पागल है ये लड़की, बार बार मेरे रास्ते में आती है। नहीं, सिर्फ आश्चर्य हुआ था। आश्चर्य तो मुझे भी बहुत हुआ था, आपने मुझसे इतनी अच्छी तरह बातें की, वरना मैं तो सोच रही थी आप हेलो भी नहीं करेंगे। उस वक्त तो मैं तुम्हें यही दिखाना चाह रहा था कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुमने जो कुछ भी कहा था ठीक ही कहा था। मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश की है, कर रहा हूं। पुरानी बातों को भूलकर मुझे माफ कर दो। कर दिया ना? छूटने वाली नहीं है। क्यों रेखा, आज नहीं पूछेगी कि मुझ में और रवि में क्या क्या बातें हुई? नहीं, आज दिमाग खुद अपनी कहानी से इस कदर भरा हुआ है कि दूसरों के लिए कोई जगह बाकी बची ही नहीं। क्यों, आज फिर राहुल से झगड़ा कर लिया क्या? नहीं, आज सब झगड़ों का अंत हो गया। अच्छा हुआ मम्मी ने मुझे जबरदस्ती तुम्हारे साथ भेज दिया। आज हम दोनों ने हमेशा के लिए सलाह कर ली। मतलब यही कि अब मम्मी को दोनों बेटियों से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। सच कह रही है? यकीन ही नहीं आता। सच रूपा, वो मुझे बेहद चाहता है। आज हम दोनों ने एक दूसरे से खुलकर बातें कर ली तो सारी गलतफहमियां दूर हो गई। मैं बहुत खुश हूँ रूपा।
पर वो तो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, अब है। उससे शादी करके तू खुश रह सकेगी, तू उसे प्यार करती है ना? दिल चीर कर दिखाऊं, वहां सिर्फ राहुल ही लिखा है। ये लिखाई कब से शुरू हुई? अब एकदम ठीक समय और तारीख बताना तो मुश्किल है, मगर मेरे ख्याल में जब से मेहता महल में दर्शन हुए। तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, इतना सब कुछ हुआ और अब बता रही है। Congratulations, I'm so happy for you. Congratulations. Thank you. Hi. Hi. कैसी हो? बस ठीक हूँ। क्या पापा घर पर हैं? बुलाऊं? नहीं नहीं, मैं खुद ही उनसे मिल लूंगा। कमरे में है? आओ। चलो। कितना सरप्राइज दिया है इन दोनों ने, यकीन ही नहीं आता। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कितना झगड़ते थे। कुछ लोगों का प्यार लड़ाई से शुरू होता है, ये दोनों उन्हीं में से लगते हैं। सच रवि, आज मैं बहुत खुश हूँ। अपने लिए या रेखा के लिए? दोनों के लिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। मैं जब किताबों में खो जाता हूँ तो पता ही नहीं चलता कौन आया कौन गया। कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? सेवा नहीं, मुझे आपकी आज्ञा की जरूरत है। आज्ञा? जी। आज पता चला आप मजाक भी अच्छा कर लेते हैं। मैं भला आपको क्या आज्ञा दे सकता हूँ? रेखा से शादी करने की। शादी? क्या कहा आपने? जी, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और वो? वो भी? मतलब के एक दूसरे की आज्ञा आप लोग पहले ही ले चुके हैं और मुझे अब सिर्फ आशीर्वाद देने की जरूरत है। जी, पर वो बड़ा जरूरी है। भाई, आशीर्वाद देने में मैं देरी या कंजूसी तो बिल्कुल नहीं करता, लेकिन क्या आप रेखा को अंदर भेज सकते हैं? जी जरूर। पापा तुम्हें बुला रहे हैं। कम ऑन, कुछ नहीं होगा, जाओ, सब कुछ ठीक। पापा? हाँ। आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटा। रेखा, तुम राहुल से शादी करना चाहती हो? बेटा, मेरा ख्याल था तुम उसे बेहद नापसंद करती हो। पापा, मैं जो सोच रही थी ना, वो बिल्कुल गलत था पापा। अब सब ठीक है। मतलब ये कि तुम उससे शादी करना चाहती हो? हाँ, वो अमीर आदमी है, रुपए पैसों की जेवरों की तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन क्या तुम उसके साथ खुश रह सकोगी? पापा, मेरी नापसंदी के अलावा भी आपको कोई एतराज है? बिल्कुल नहीं, लेकिन बेटा, हमने तो यही जाना है कि राहुल बहुत ही घमंडी, बहुत ही कम बोलने वाला लड़का है, और अगर वो तुम्हें पसंद है तो हमारी नापसंदगी का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। हाँ पापा, वो मुझे बहुत पसंद है। हमारे बीच जो भी गलत फहमी थी वो सब दूर हो गई पापा। वो घमंडी नहीं है पापा, वो शेखा। बेटा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, जो कुछ भी करना ठीक से सोच समझ कर करना। बेटा, अपने जीवन साथी के लिए तुम्हारे मन में प्यार होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, तभी तुम दोनों सुखी रह सकते हो। और अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो तुम दुखी हो जाओ।
और ये देखना बेटा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पापा मुझ पर भरोसा कीजिए पापा, राहुल ने अपनी नेक नियति अपनी शराफत से मुझे जीता है। उन्होंने हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए, रूही के लिए जो भी किया ना, मुझे आप कैसे समझा? रूही के लिए? और तुमने मुझसे ये सब कुछ छिपाए रखा? मुझे कुछ नहीं पता है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं खुशी खुशी तुम लोगों को आशीर्वाद दे सकता हूं। रेखा बेटा, तुम्हें अपने से अलग करना मेरे लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन मैं जानता हूं राहुल तुम्हारे लिए जो केवर है वो तुम्हें सुखी रखे जरूर। रोते नहीं बेटा, रोते नहीं, रोते नहीं, नहीं मत रो। अच्छा मैं बताऊं, ऐसे खुशी के मौके पे हम लोग रो क्यों रहे? देखो राहुल ने कितना कुछ किया, विनोद के लिए, रूही के लिए शादी करवाई, उनकी पैसे खर्च किए, ये सब अगर तुम्हारे मामा करते तो मुझे उनको सब कुछ वापस करना पड़ता। अब जब मैं राहुल से कहूंगा तो वो अपने प्यार की दुहाई देकर मेरा मुंह बंद कर देगा। अच्छा बेटा एक काम करो, राहुल बाहर खड़ा है, तुम जाओ, वरना वो सोच रहा होगा कि मैं उसके खिलाफ तुम्हें भड़का रहा हूं। जाओ। और हाँ सुनो। हाँ पापा। बेटा बाहर अगर और कोई नौजवान बैठा होगा रीटा के लिए तो उसे अंदर भेज देना, इस वक्त मैं हाँ करने के मूड में हूँ। जाओ। सुनती नहीं। चुप। मम्मी, मम्मी। हाँ बोल ना, क्या बात है? मम्मी वो राहुल मेहता है ना? हाँ क्या हुआ उसे, वो फिर आ गया? अभी आया नहीं पर आएगा। क्यों? मम्मी वो मुझसे शादी करना चाहता है। क्या, किसने कहा, किससे कहा? मुझसे। फिर तुमने क्या कहा? मैंने हाँ कर दी। हाँ कर दी ना, बड़ी समझदार लड़की है। मगर आपको तो वो जरा भी अच्छा नहीं लगता था। भूल जाओ उन पुरानी बातों को, कहीं उससे ना कह देना कि मैं ऐसा कुछ कह रही थी, समझी ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस रेखा दीदी, सुना है मेहता महल की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, किताबें मिलेंगी ना? हाय मैं वारी जाऊं। भला कोई सोच सकता था कि इतना बड़ा रईस तुझे अपने मुंह से मांग कर ले जाएगा? मेरी रेखा मेहता महल की मालकिन, हीरे मोती कपड़ों के ढेर, आगे पीछे गाड़ियां, रवि की उसके सामने क्या हैसियत है? रेखा तू ही सबसे अच्छी रही, वैसे भी वो कितना लंबा चौड़ा और खूबसूरत है, दूर से आता देखकर ही लगता है कि कोई खानदानी रईस चला आ रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरी तीन तीन बेटियों की एक साथ शादी। हे भगवान, मारे खुशी की मेरा कहीं हार्ट फेल ना हो जाए। तू ठहर, सबसे पहले ये खुशखबरी मैं मिसेस गुप्ता को दिया हूँ और बाद में आकर मालती को फोन करती हूँ। तू ले ये चावल, पकड़ पकड़, मैं अभी आई। राहुल सच सच बताना, तुम्हें पहली बार मुझसे प्यार कब हुआ था? मेरा मतलब है तुम्हारे प्यार की शुरुआत। अब ठीक दिन और वक्त बताना बहुत मुश्किल होगा। पर सच पूछो तो शुरुआत से पहले ही मैं प्यार में डूब चुका था, यहाँ तक। और जिसे मैं शुरुआत समझा तब तक तो पानी सर से ऊपर उठ गया था। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मेरी सुंदरता पर तो तुम न्योछावर थे ही नहीं, और मेरी बातचीत करने का कुछ ढंग ही ऐसा था कि मैं हमेशा तुमसे लड़ती रहती थी। क्या मेरी उद्दंडता भाग गई थी तुम्हें?
मुझे बहुत अच्छा लगा था तुम्हारा तेज दिमाग। शायद मीठे शब्दों और हाँ में हाँ मिलाने वाली लड़कियों से तुम्हारा जी भर गया था। मैं तो इन सबसे कितनी अलग हूँ। अगर मैं भी इन लड़कियों की तरह तुम्हारी चापलूसी करती तो शायद तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं, है ना? चलो, मैंने तो तुम्हें बता दिया तुम्हें मुझसे प्यार क्यों हुआ। मेरे किसी अच्छे गुण के लिए तो नहीं, पर वैसे भी प्यार करते समय लोग गुण कहाँ ढूंढते हैं। ठहरो, बताता हूँ तुम्हारे गुण। रूपा जब बीमार हुई थी तुमने उसकी सेवा की। अच्छा, मुझ में सेवा भाव मौजूद है, यही ना? ठीक है, तुम मेरे गुण ढूंढते रहो और मैं तुमसे लड़ाई झगड़ा किए बिना नहीं मानूंगी। सबसे पहले तो मैं इस बात पर झगड़ना चाहती हूँ कि तुम हर बात के लिए इतनी देर क्यों लगा देते हो। मेरा मतलब है, जब तुम बंबई हमारे घर आए थे ना, तो इतना नखरा दिखाने की क्या जरूरत थी? मेरी तरफ तो एक बार भी नहीं देखा, वैसे मेरी परवाह ही नहीं थी। अगर परवाह नहीं होती तो मैं आता क्यों? वैसे तुमने भी मुझसे बात नहीं की थी तो मैं क्या करता? मुझे तो शर्म आ रही थी। मुझे भी शर्म आ रही। जब खाने पर बुलाया था तब क्यों नहीं बोल सकते थे? तब मैं सोच रहा था। अच्छा, एक बात बताओ, अगर उस दिन पार्क में मैं रूही की बात उठाकर तुम्हें धन्यवाद नहीं देती तो क्या तुम इसी तरह सोचते रहते? ज्यादा दिन नहीं, श्रीमती लाल ने मेरा रास्ता झाड़ पहुँच कर साफ कर दिया था। माना मिसेज लाल ने हमारी बड़ी मदद की है, पर उसके पहले जब तुम बंबई आते थे क्या सिर्फ चुपचाप बैठने के लिए आया करते थे? नहीं, तुम्हें देखने के लिए। जब किसी से बहुत प्यार हो जाता है ना तो शब्द मौन हो जाते हैं। प्यार की एक अपनी भाषा होती है। तुम तक मेरी बात पहुंची थी ना? हाँ, पहुंची थी।